हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि गोल्फ कैसे खेलें। दोस्तों, आप बताइए, क्या आप गोल्फ खेलते खेलते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? क्या आपके लिए गोल्फ के रूल समझना बहुत मुश्किल हो जाता है? वही मैं आपको बता दूं, गोल्फ को जिंदगी भर प्यार करने का भी एक प्रोसेस है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस गोल्फ की वीडियो को पूरा देखते हैं ना अच्छे से, तो आप इस गेम के रूल्स बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि हर बिगनर को गोल्फ फील्ड में एंटर करने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गोल्फ के मकसद के बारे में। देखिए, गोल्फ का मकसद ये होता है कि आप अपनी बॉल को स्टार्टिंग पॉइंट या टी से ग्रीन तक ले जाएं और होल में डाल दें। होल पर एक फ्लैग होता है, तो आपको कम से कम शॉट्स में बॉल वहां पर डालनी होती है। वाकई में होल एक होल नहीं होता है, बल्कि ये पूरा एरिया होता है टी से ग्रीन तक, जिसमें एक फिजिकल होल भी होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि गोल्फ खेलने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, आपको चाहिए गोल्फ बॉल्स, गोल्फ क्लब्स, लकड़ी की चीज, दस्ताने और एक गोल्फ पैक। चलिए अब समझते हैं कि किस गोल्फ क्लब को किस शॉट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर क्लब के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका मकसद होता है कि बॉल को जितना दूर आप हो सके ना, उतना ग्रीन की तरफ ले जाएं। बात करेंगे हाइब्रिड क्लब के बारे में। ये है 150 प्लस यार्ड्स एयरबोर्न शॉट्स पाने के लिए, 229 आयरन, 120 से 190 यार्ड्स की दूरी की ग्रीन की तरफ मारने के लिए। लंबे शॉट्स के लिए लो नंबर आयरन्स का इस्तेमाल करें और छोटे शॉट्स के लिए हाई नंबर आयरन्स का, ठीक है? वेजेस दोस्तों, ये है ग्रीन या सैंड बंकर्स के पास से छोटे ऊंचे शॉट्स के लिए। पटर दोस्तों, ग्रीन पर होने पर बॉल को होल में रोल करने के लिए या कभी कभी ऑफ द ग्रीन से भी। गोल्फ रूल्स दोस्तों, गोल्फ के गेम को एंजॉय करने के लिए आपको गोल्फ के रूल जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि इसको बिना जाने आप खेल नहीं सकते। देखिए, हर होल की शुरुआत से बॉल को स्टैंडर्ड क्लब से ही मारते हुए और फिर होल की तरफ जहां पर झंडा होता है वहां तक ले जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद प्लेयर्स बॉल को स्ट्राइक करते हैं और जो प्लेयर होल से सबसे दूर होता है वो पहले जाता है। खोई हुई बॉल की पेनल्टी एक स्ट्रोक होती है और इसमें देखिए बाउंड्री के बाहर गई बॉल या पानी में गई बॉल भी शामिल होती है। दोस्तों, आपके पास बॉल को ढूंढने के लिए 5 मिनट होते हैं और बॉल खो जाने पर पेनल्टी में आपको एक स्ट्रोक यानी कि एक शॉट और कुछ एक्स्ट्रा दूरी भी मिलती है। आपको बता दूं, अगर बॉल बाउंस के बाहर या पानी में चली जाती है तो आपको फिर से अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से खेलना पड़ता है। आप केवल 14 क्लब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, प्लेयर्स अपने पार्टनर या कैडी के अलावा किसी से भी कोई सलाह नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। बॉल जैसे ही मिलेगी उसे खेलना पड़ेगा, ओके? अपनी नॉर्मल स्टेंस, बॉल की लाइन को बेहतर करने, अपनी लाइन ऑफ स्लाइड या एरिया ऑफ स्विंग को बेहतर करने के अलावा किसी और भी वजह से आप किसी फिक्स्ड या ग्रोइंग चीज को मूव, बेंड या ब्रेक नहीं कर सकते। 200 पुटिंग ग्रीन पर प्लेयर अपनी बॉल को मार्क, लिफ्ट और क्लीन कर सकता है, जब तक कि वो उसी जगह रिप्लेस नहीं हो जाए। और हाँ, प्लेयर्स बॉल मार्क्स या होल प्लग्स को रिपेयर कर सकते हैं, पर पुटिंग लाइन पर आने वाले स्पाइक मार्क्स को नहीं, ठीक है? बात करेंगे गोल्फ के स्कोरिंग टर्म्स के बारे में। देखिए, गोल्फ की अलग भाषा होती है। एस का मतलब होल इन वन होता है, पर मार्क का मतलब होता है पहले से डिसाइड किए गए स्ट्रोक्स जो किसी स्क्रैच गोल्फर को होल कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। दोस्तों, बर्डी का मतलब होता है किसी होल के पार से एक स्ट्रोक नीचे। बोगी का मतलब होता है किसी होल के पार से एक स्ट्रोक ऊपर। डबल बोगी का मतलब होता है किसी होल के पार से 2 स्ट्रोक ऊपर। ईगल का मतलब होता है किसी होल के पार से 2 स्ट्रोक नीचे। एल्बर्ट्रॉस और डबल ईगल का मतलब होता है दोस्तों किसी होल के पार से 3 स्ट्रोक नीचे। अब बड़ा सवाल, गोल्फ कैसे जीते हैं? ये सवाल है आपके पास। देखिए, ज्यादातर प्रो स्ट्रोक प्ले सिस्टम यूज करते हैं। इवेंट्स 4 दिन तक होता है, 18 के 4 राउंड्स, और जो प्लेयर सबसे कम शॉट्स में 72 होल्स पूरे कर लेता है ऑब्वियसली वो विनर होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको गोल्फ के रूल समझ में आ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक छोटा सा काम करना, वीडियो फिर से देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट करें। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।